सोनाक्षी की शादी से चंद घंटों पहले आया पापा शत्रुघ्न का कबूलनामा। शॉटगन ने किया कबूल, गैर धर्म में मंजूर नहीं था बेटी का रिश्ता। बेटी की जिद ने बढ़ा दी थी सिन्हा परिवार की टेंशन, तो जिद पर अड़ी सोना संग पापा की हुई थी अनबन। रविवार 23 जून का दिन सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के प्यार के नाम रहने वाला है। आखिर 23 जून को सोनाक्षी और जहीर का जश्न इश्क होगा, जिसके गवाह दोनों परिवार और इनके सभी करीबी बनेंगे। बेटी की शादी की खुशी में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने आइकॉनिक बंगले रामायण को दुल्हन की तरह सजवा दिया है। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ है, तो फूलों की सजावट ने बंगले की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। ये नजारा देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सिन्हा परिवार में सोनाक्षी और जहीर की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर है। हर कोई इस वेडिंग को लेकर फुल्ली एक्साइटेड है। लेकिन बेटी की शादी से चंद घंटों पहले पापा शत्रुघ्न ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने हर किसी को शॉक्ड कर दिया है। सोना के डैडी डियर ने कबूल कर लिया है कि जहीर और सोनाक्षी की शादी को लेकर सिन्हा परिवार की नाराजगी की जो भी खबरें आ रही थी वो पूरी तरह से सच थी। गैर धर्म के बॉयफ्रेंड संग सोनाक्षी के फैसले के खिलाफ था सिन्हा परिवार और इसी वजह से बाप बेटी के बीच हुई थी तकरार। बेटी की शादी के बारे में बात करते हुए शॉटगन ने कहा है कि मेरे परिवार में से किसी ने भी शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। एक निजी पारिवारिक मामले पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। शादियां सबके घर में होती हैं। बेटी की शादी को लेकर पहले कुछ तनाव था, शादी से पहले झगड़े भी आम हैं। अब हम सब ठीक हैं। जो भी तनाव था उसे सुलझा लिया गया है। इतना ही नहीं, बीते दिनों ऐसी भी खबरें आई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा सोनाक्षी और जहीर की शादी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब बिहारी बाबू ने ये भी साफ कर दिया है कि 23 जून की रात जो सोनाक्षी और जहीर की ग्रैंड वेडिंग पार्टी होने वाली है, उसमें वो अपनी बीवी और पूरे परिवार के साथ शामिल होंगे। यानी अब ये बात साफ हो गई है कि बीते दिनों सिन्हा परिवार में कलह की जितनी भी खबरें आ रही थी वो काफी हद तक सही थी। हालांकि वो अब बीती बातें हो चुकी है, क्योंकि शत्रुघ्न और पूनम सिन्हा अपनी लाडली की खुशी में खुश हैं। दो दिन पहले ही शत्रुघ्न और पूनम सिन्हा अपनी बहू तरुणा के साथ बेटी के ससुराल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सोनाक्षी की हल्दी रस्म के बाद दोनों परिवारों ने मिलकर एक गेट टुगेदर रखा था। ये पहला मौका था जब शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी के ससुराल वालों और दामाद जहीर इकबाल के साथ पब्लिकली नजर आए थे। होने वाले दामाद को गले लगाकर शत्रुघ्न सिन्हा ने दिखाया था कि दोनों परिवारों में कोई मन मुटाव नहीं है। इस शादी से पूरा सिन्हा परिवार खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।